कसना होगा, बोलने की आजादी छीननी होगी और ईडी सीबीआई का शिकंजा कसना होगा। इसी के तहत बिहार में तेजस्वी यादव लालू परिवार पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी के तहत दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी पर भी टारगेट किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया की बात करें तो जब उप मुख्यमंत्री के पद पर थे तो नई शराब नीति को लेकर उन पर आरोप लगे। यहाँ पर ईडी सीबीआई के तहत रिमांड लिया गया और घंटों की पूछताछ के बाद उनको जेल में डाल दिया जाता है और कहा जाता है सबूत के आधार पर ही मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि कई खुलासे होते हैं, ईडी सीबीआई पर ही खुलासे होते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर मनीष सिसोदिया की रिहाई नहीं होती है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल पर नई आबकारी नीति के तहत शिकंजा कसा जाता है, आरोप लगाया जाता है, सीबीआई की कार्यवाही बिठाई जाती है। वैसे में सीबीआई की कार्यवाही के बीच में और चुनावी माहौल के बीच में कई संपत्तियों का खुलासा भी होता है। तो वैसे में अरविंद केजरीवाल की संपत्ति का भी खुलासा हुआ है कि एक तरफ तो सीबीआई की रिमांड पर है, दूसरी तरफ उनकी संपत्ति को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी खुलासे कर रही है। तो तमाम लोग भी ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार उनकी संपत्ति कितनी है। नमस्कार, मैं नाजमी खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उस दौरान उनकी संपत्ति करीब 2,01,00,000 रुपए बताई जा रही थी। यानी कि 2015 में उनकी इतनी संपत्ति थी, जिसके बाद ये संपत्ति बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे कि उनकी संपत्ति 3,04,00,000 रुपए बताई जा रही है। यहाँ पर अनुमान के अनुसार यहाँ पर 3,04,00,000 रुपए अरविंद केजरीवाल की संपत्ति बताई जा रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर कई गाड़ियां उनके नाम पर दर्ज है ये भी बताया जा रहा है और यहाँ पर तमाम तरीके से उनकी पत्नी की भी संपत्ति पर लेकर खुलासा किया गया है कि उनकी पत्नी के पास भी काफी संपत्ति मौजूद है। आपको बता दें कि 2015 से और अब तक में बहुत उछाल अरविंद केजरीवाल की इस आय में देखा गया। अब उसके साथ साथ आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की आय की जानकारी भी हलफनामे में दी जाती है और 2015 की बात की जाए तो उनकी कुल आय 15,00,000 बताई गई थी, जो अब 2023 में बढ़कर 57,00,000 हो गई है। यानी 5 साल के आगे भी जाकर, यानी कि 5 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है करीबन यहाँ पर केजरीवाल और उनकी आय मिलाकर काफी रकम देखी जा रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 57,00,000 यहाँ पर उनकी पत्नी की बताई जा रही है, 3,00,00,000 से ऊपर अरविंद केजरीवाल की संपत्ति का ब्यौरा दिया जा रहा है। वैसे में संपत्ति तो एक तरफ है, दूसरी तरफ सीबीआई की कार्यवाही हो रही है। तो वैसे में क्या यहाँ पर जो एकाएक करके खुलासे अरविंद केजरीवाल को लेकर हो रहे हैं, इसमें क्या वो बेगुनाह साबित हो पाएंगे या ऐसे ही यहाँ पर शिकंजे में कसते हुए उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।